राम राम राम। भगवत धर्मानुरागियों, चूंकि आज एकादशी है इसलिए आज राम कथा हम थोड़ा पहले ही शुरू करना चाहते हैं। विशेष करके रविवार का दिन है, क्योंकि सूर्यास्त के पहले कुछ जलपान हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इस निमित्त हम सोच रहे थे कि कथा भी हो जाए, सूर्यास्त के पहले जलपान भी हो जाए। इसलिए आप लोगों को भजन गाने से रोक रहा हूँ, बाद में चल करके राम कथा पूरी हो जाए तो आप सब फिर से भजन गाइएगा, सुनाइएगा। सुनूंगा चाहे अंदर बैठा रहूं अथवा बाहर, अच्छा लगेगा। परमात्मा के नाम की चर्चा किसी भी तरह से हो, बस उसमें भाव का मिश्रण हो, अच्छा लगता है। बिना भाव के परमात्मा के नाम की चर्चा करने पर भी अच्छा लगता है, क्योंकि परमात्मा की चर्चा भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशिदस हूँ, कैसे भी कहो। इसलिए जहाँ भी मिले, जैसे भी मिले, राम नाम से अपने आप को जोड़ो। जब तक आप अपने आप को यह नहीं समझा पाओगे कि आपका इस जगत में आने का उद्देश्य क्या है, तब तक आप भटकते रहोगे। जगत में आने का एकमात्र उद्देश्य यह है कि पुनः हमें जगत में न आना पड़े, यही उद्देश्य है। क्योंकि अगर हम पुनः आएंगे तो निश्चित तौर से भटकाव होगा, पता नहीं फिर गुरुकृपा मिलेगी नहीं मिलेगी। इसलिए जो जीवात्मा किसी गुरु से नहीं जुड़े हैं वो यथासंभव उनको अपने गुरु को अपने अंतर हृदय में यह भाव प्रकट करके कि हे प्रभु, हम तो आपको खोज नहीं सकते क्योंकि मेरी सामर्थ्य आपको खोजने में नहीं है, और हम खोजेंगे भी तो हम अपने जैसा खोजेंगे। भाई कोई व्यक्ति कोई कपड़ा खरीदता है, कोई सामान खरीदता है, कोई माल खरीदता है अथवा कुछ भी, तो अपने अनुरूप खरीदता है। उसका एक अपना एक पैमाना होता है कि हमारे इसी पैमाने का हमसे मिलता जुलता कोई हो तो फिर हम उसको अपना गुरु बनाएं, ऐसा नहीं है। गुरु अद्वितीय है, गुरु श्रेष्ठ है। गुरु शरीर नहीं, स्वरूप है। गुरु को शरीर में ना देखो। जिसे आप खोज रहे हो वो आपके खोजने का विषय नहीं है। सिर्फ आप उसे तय कर लो कि हम ऐसा बन जाएंगे कि वो हमको खोजते हुए आएगा, और विश्वास करो आप बने कि उसकी खोज शुरू हो जाएगी, वो खोजेगा आपको, निश्चित तौर से खोजेगा। और खोजेगा ही नहीं, दूरी तय करेगा, चल करके आपके घर तक जाएगा, आपके कुटिया तक जाएगा और कहेगा मैं आ गया, मैं आपका हूं, ऐसा वो कहेगा। और इतना ही नहीं, मैं तो इतना तक कहता हूं कि हाथ पकड़ करके उठाएगा, कहेगा कब तक भटकता रहेगा तू। मुझे याद आता है कि हम जगत में आए तो जरूर, लेकिन जगत में आने के कारण को ही हम भूल बैठे, हम भेड़ हो गए। एक शेर का बच्चा भेड़ियों के झुंड में बचपन में ही पड़ गया, भेड़ों के झुंड में बचपन में। अब भेड़े जैसे चलती वैसे वो भी चलता, भेड़े जो खाती वही वो भी खाता, जबकि उसका खाने का स्वभाव घास का नहीं था, लेकिन भेड़ों के साथ रहते रहते भेड़ों जैसा ही बर्ताव करने लग गया। समय बीता, आकार प्रकार में बदलाव हुआ, लेकिन भेड़ों के साथ रहते रहते वो मेमना की तरह ही
एक उसी भाव में, एक भेड़ के भाव में रह रहा था, उससे यह ज्ञात ही नहीं था कि मैं शेर हूँ। लेकिन तभी कोई उसे उसका सजातीय श्रेष्ठ मिला गुरु के रूप में, और भेड़ों के बीच में से खींच करके उसको पकड़ा और कहा, चल तू भेड़ों को बीच में कहाँ चल रहा है, तू तो मेरा है। अरे अरे मैं आप शेर हो, मैं एक भेड़, आपके साथ मैं कैसे चल सकता हूँ, आप मुझे मार डालोगे। सब भेड़े यही कहती हैं कि शेर मार डालता है। शेर ने कहा, हाँ भेड़े को मार डालता हूँ, क्योंकि जो भीड़ में और भेड़ में बन करके रहता है वो मरा ही जाता है, जो शेर होता है वो अकेला रहता है। और चल तुझे तेरे स्वरूप का भान कराऊं। और पकड़ करके जब ले करके जाता है शेर एक सरोवर के पास में, परछाई दिखाता है, देख जैसा मैं हूं वैसा ही तू है। तब भेड़ बना वह शेर कहता, हां महाराज जैसे आप हो वैसे मैं ही हूं। उसे अपना एहसास, अपना आभास होता है, अपने पुरुषत्व का आभास होता है, वो परमात्मा का तत्व हूं मैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि जगत में जो मनुष्य है वो मेरा ही अंश है, हैं तो सभी अंश, लेकिन मन मनुष्य जो है वह मुझे प्राप्त करने का एकमात्र साधक है, इसलिए उसे मैं ज्यादा प्यार करता हूं। और गीता में भी कहते हैं, मानस में भी यही बात कहते हैं। तो हम परमात्मा के हैं यह जताने के लिए कोई शेर आपको भेड़ के भीड़ से खींचेगा और खींच करके कहेगा, तू तो मेरे राम का है। और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन आप राम के हो जाओगे, आपको खोजने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को ऐसा बना लो। सबरी कभी खोजने के लिए नहीं गई थी, सबरी को मतंग ने खोजा था। अगर आपको कहानी विदित है, पता हो तो ये आप जानिएगा कि सबरी तो उसकी विवाह की तैयारी चल रही थी, घर में बकरे लाए गए थे काटने के लिए, मेहमानों को परोसने के लिए। सबरी ने माँ से पूछा, ये क्या हो रहा है, 8 साल की बच्ची, 9 साल की। माँ ने कहा, ये बकरे लाएंगे हैं, तेरी शादी की तैयारी हो रही, इसे काटा जाएगा। तो उसने प्रश्न किया कि इनका दोष क्या है, ये क्यों काटे जाएंगे। बोले, तेरी शादी हो रही इसलिए खुशी में काटे जाएंगे। माँ के इस वचनों से सबरी को बहुत पीड़ा हुई। उसने कहा, अगर मेरी शादी ही ना हो तो इनकी इनके प्राण बच सकते हैं। माँ ने कहा, कैसी उठपटांग बातें कर रहे, तू शादी नहीं करेगी। और उसे रात सबरी घर छोड़कर के भाग जाती है, बिहड़ जंगलों में जाती है, एक पेड़ पर बैठ जाती है, खोज बिन होती है, नहीं मिलती सबरी। संतों के आवागमन पर देखती है कि संत क्या कर रहे हैं, भूख प्यास से तड़प रही है, पेड़ के पत्तों को खा करके अपना 2-3 दिन का जीवन व्यतीत किया। उसने रास्ते में देखा एक संत आ रहे हैं, दुपक करके छिप गई, इसलिए कि कहीं उनके रास्ते में न पड़ जाऊं, वो कहीं मेरे माता पिता तक न पहुंचा दे। लेकिन वही मतंग, बेटी कहां छिप रही है, मैं तो तुझे ही खोजने चला हूं, तू मुझसे कब तक छिपती रहेगी, मैं तुझे ही खोजने चला हूं। और उस 8 साल की बच्ची का हाथ पकड़ करके आश्रम लाते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, बनाओ अपने आप को ऐसा कि गुरु आपको खोजने निकल पड़े, वो कहे, मैं तुझे खोजते खोजते यहां तक चला आया, मैं तेरा हूं, तू मेरे राम का है। हे जीव, तेरा अब आने जाने का जो कर्म था वो समाप्त हो गया, तू मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त हुआ है। ध्यान रखिएगा, सो नहीं जाना, जागते रहना, एक दिन आपका राम जरूर आपका हाथ पकड़ करके
आपको अपने धाम ले जाएगा। शर्त इतनी है कि जो सोता है वो खोता है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो तू सोवत है। उठ जाग जो सोवत है वो खोवत है, जो जो जागत है वो पावत है। उठ जाग मुसाफिर जागना का अर्थ यह नहीं समझ लेना कि हम रात दिन जागते रहें तो भगवान मिल जाएंगे। अरे पागल हो जाओगे चार दिन जागोगे तो। जागने का अर्थ सिर्फ इतना है कि नाम को अपने साथ जोड़ लो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नहाते धोते नाम आपके साथ जुड़ जाए, आप जाग गए। हनुमान जी का प्रसंग आगे आएगा सुंदरकांड में, चर्चा करूंगा। पूरी लंका के लोग सो रहे हैं लेकिन एक जाग रहा है, एक जाग रहा है। और जागने का प्रमाण क्या है? राम नाम ते सुमिरन, और राम नाम का स्मरण किया। जागने वाला हमेशा राम के नाम का स्मरण करता। आप सोए रहो, सोए में आपके श्वास पर श्वास से राम नाम का स्मरण चलता रहे तो आप सोए हो, आपका स्थूल शरीर सोया हुआ है लेकिन आप जाग रहे हो, वही जागना है। इस जगत में जगदीश से मिलने के लिए जागना पड़ता है और जगाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु को आपको खोजने की जरूरत नहीं है, आप पात्र बन जाओ गुरु आपको खोज लेगा, वो कहीं भी रहेगा आपको खोज लेगा। दुर्भाग्य है कि हम अपने जैसे गुरु को खोजने का प्रयास करते हैं, अपने जैसा चाहते हैं, मेरे जैसा गुरु हो, मैं जो कहूं वो सुन ले, मैं जो कहूं वो समझ ले, मैं जो कहूं वो मेरी बात को मान ले। आपने गुरु नहीं, आपने चेला चुना है जो आपकी हर बात के साथ में हाँ में हाँ मिलाता है। गुरु वह नहीं है जो आपकी हाँ में हाँ मिलाए, गुरु वह है कि आपके कल्याण की इच्छा रखे, इसके अलावा कुछ नहीं। सचिव वैद्य गुरु तीन, जौ प्रिय बोले ही भय आस। आपके लिए प्रिय बोले, आपके भय से भयभीत होकर के, वो गुरु कैसा? अगर ऐसा है तो बाबा कहते हैं राज धर्म तन तीन कर हो ही बेगही नाश। इसलिए गुरु शीस कटाए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। हजार हजार जन्म ऐसे ही बीत जाता है, लाखों जन्म लाखों योनियां बीत जाती हैं। 84 लाख योनियां जब बीतती हैं तब कहीं जाकर के एक बार मानव का जन्म मिलता है। और इस मानव के जन्म मिलने पर एक ही उद्देश्य है, गुरु को मिलकर के गोविंद का साक्षात कर लेना। यह भूलने की जरूरत नहीं है, गुरु ही गोविंद है, गोविंद ही गुरु है। बस जिस दिन यह अंतर मन में पता चल जाएगा उसी दिन से आपने अपना खुद का कल्याण कर लिया, किसी को कल्याण करने की अब जरूरत आपकी नहीं है। सिर्फ आप अपने आप को जान जाओ, आप अपने आप को समझ जाओ, आप अपने अंतर मन में यह भाव पैदा करो। मैं पिछले कई सालों से एक बात कहता चला आ रहा हूं, बाबा गुरु कोई शरीर नहीं होता,
कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक स्वरूप है। जिस प्रकार से देसी घी को किसी भी मटके में रखा जा सकता है, चाहे वो लोहे का बर्तन हो, चाहे सोने का बर्तन हो, चाहे मिट्टी का बर्तन हो, देसी घी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देसी घी चाहते हैं, हम बर्तन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। अष्टावक्र जैसे संत भी हुए इस जगत में, जो आठ जगह से टेढ़े थे, और गुरु किसके हुए? जनक के। जनक के गुरु हुए। कौन से जनक? जो विदेह कहे जाते हैं, जिनका देह से कोई संबंध नहीं था। तो शरीर को जब तक आप पकड़ करके बैठोगे, तब तक आपकी दूरी शरीर तक रहेगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, गुरु कोई जात नहीं होती, गुरु कोई पात नहीं होती, गुरु का कोई धर्म नहीं होता, गुरु सिर्फ गुरु होता है। डब्बे की पैकिंग देख करके गुरु बनाने का प्रयास करोगे तो ध्यान रखना, विष रस भरा कनक घट जैसे, सोने के घड़े में जहर भी हो सकता है। इसलिए गुरु आप ना खोजो, आप अपने आप को योग्य बनाओ, गुरु आपका हाथ पकड़ ही लेगा, खोज लेगा आपको और कहेगा तू तो मेरे राम का। हे जीवात्मा, तू मेरे राम का, तू दुनिया के काम का नहीं है, तू मेरे राम का है। इसलिए आज यह बात कहने का मुझे कोई और औचित्य नहीं था, सिर्फ इसलिए मैंने कहा कि आज के युग में मैं देख रहा हूं कि एक साधारण लोग बड़े ही सरलता से कई, जो यह मनुष्य का जीवन मिला है, कई कई ऐसे धोखे में चले जाते हैं, को गुरुओं की तलाश खुद करने लगते हैं, अपने लायक गुरु भी बना लेते हैं, और बाद में न गुरु मुक्त हुआ न वो मुक्ति पाते हैं, जीवन ऐसे चला जाता है। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा, किसी कर्म बस गुरु ठीक नहीं मिला, लेकिन आपका कर्म ठीक है तो आपके कर्म से आप भी तर जाओगे, और आपके प्रभाव से आपको जिसने दीक्षा दिया है वो भी तर जाएगा। ऐसा भी होता है, आज मतंग को अगर जाना जाता है तो उसके पीछे सबरी खड़ी है, आज विश्वामित्र को कोई जानता है तो उसके पीछे राम खड़े हैं, राम के गुरु हैं। आज संदीपनी को कोई जानता है तो उसके पीछे कृष्ण खड़े हैं। आज मीरा को कोई जानता है तो रैदास खड़े हैं उसके पीछे। मैं आप सबसे यही कहूंगा, अपने मन का कुभाव निकाल करके परमात्मा से प्रेम करो, इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि अतिरिक्तता आ जाए। कठोर जो पत्थर का हृदय बना करके बैठे हो पिघलने लग जाए, ऐसा ताप उसे दो कि वो द्रवीभूत हो जाए और पिघल करके कहे कि तेरे प्रेम ने मुझे पिघला दिया, नहीं तो मैं पिघलने वाला नहीं था। आज हम सब इसी कथा के साथ जुड़ रहे हैं, इसलिए इतनी भूमिका हमें देनी पड़ी। आज एक अटूट प्रेम है, ऐसा अटूट प्रेम है राम का कैकेयी के साथ में, कि वह अपने राम के प्रेम को पुष्ट करने के लिए जगत में, आज कोई कैकेयी अपने बेटी बेटियों का नाम नहीं रखता, जगत में अपने आप को बदनाम होने के लिए खड़ी है, वह राम से प्रेम करती है। ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम कि दुनिया की नजर में कैकेयी गलत है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। अंदर से वह राम की है, राम उसके हैं। संबंध तो जीव के व्यवहार के लिए बनाया जाता है, फिर से कहना चाहूंगा, संबंध जीव के व्यवहार के लिए होता है।
प्रेम का कोई संबंध नहीं है, प्रेम प्रेम है। वह किसी स्त्री अथवा पुरुष का भाव रख करके नहीं होता, किसी का मोहताज भी नहीं है, वो प्रेम है। और वह प्रेम सिर्फ और सिर्फ मेरे राम को प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी ले जो जाननी हारा। राम ही के आइए हम सभी राम कथा में प्रवेश करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें। हे नाथ, हे करुणा निधान, हे अकारण करुणा वरुणालय प्रभु, हम आपके हैं, हमें आप हमारे मन को हमारी बुद्धि को शुद्ध करिए प्रभु। हम जीव हैं, रोम रोम में गलतियां भरी पड़ी हैं, हर रोए गलत करते हैं। हे नाथ, मैं आपके सामने तो आने के लायक भी नहीं हूं, लेकिन इतना जानता हूं कि आप जो सबसे पतित होता है उसे भी अपना बना लेते हैं, तो नाथ उन्हीं पतितों की लिस्ट में मेरा भी एक नाम है। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं तेरे दर पे आने के काबिल नहीं। मैं आ तो गया, लेकिन मेरे नाथ कहते हैं, अरे पगले, तू इतनी बात कह ली, तेरे समस्त प्रापों का प्राश्चित मैंने करा दिया, तूने कह दिया, स्वीकार कर लिया तूने कि हां तू मेरे दर पे आने लायक नहीं है। तो जो मेरे दर पे आने लायक नहीं होता है वो स्वीकार कर लेता है, तो मैं उसे अपने हृदय से लगा लेता हूं। आगे की कथा आएगी, निषाद राज गुह, जब भगवान वन को निकलते हैं तमसा नदी के तीर पर एक रात के लिए विश्राम करने के लिए रुकते हैं, आपको जान करके आश्चर्य होगा। जब उस गांव में श्रृंगवेरपुर, एक यही प्रयागराज आप लोग गए होंगे तो देखे होंगे, वहीं जब प्रभु हमारे रुकते हैं, तो निषाद राज को जब पता चलता है तो आकर के दूर से ही साष्टांग दंडवत करता है और कहता है कि मैं आपके करीब आने लायक नहीं हूं, मेरी परछाई देख करके लोग घृणा करते हैं, मैं इतना पतित हूं कि मेरी परछाई को लोग देख करके घृणा करते हैं, और मेरे राम को देखो कि दूर से वह प्रणाम कर रहा है, और राम पहुंच करके उसे बाहों में पकड़ करके उठाते हैं, हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं, तू मेरा मित्र है, तुम उससे दूर कहां, यही राम राज्य है। राम राज्य की पहली ईंट वही लग गई जब मेरे राम ने एक पतित को अपने हृदय से लगा लिया। तो हम सब पतित हैं, प्रतीक्षा करें कि मेरा राम भी मुझे आएगा, एक दिन अपने हृदय से जरूर लगाएगा। ऐसा भाव रख करके जब कथा श्रवण करेंगे तभी कथा श्रवण करने का आपको आनंद प्राप्त होगा, अन्यथा एक कान से कथा सुनेंगे और दूसरे से बाहर हो जाएगी। आइए हम सभी भगवान के नाम का उच्चारण करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, मुकुंद माधव मोहन मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलू नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलू नहीं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, देहांत काले तुम सामने हो, हे नाथ जब मेरा प्राण तन से निकलने लगे तो मेरी सबसे प्रार्थना आपसे एक ही है, अगर मेरे कुछ पुण्य कर्म हो तो नाथ मेरे सामने खड़े हो जाना, बस थोड़ा सा भी मेरा पुण्य हो तो उस पुण्य के बदले में जगत नहीं मांगता, मेरे राम जगदीश को मांगता हूं, मैं तुम्हें मांगता हूं। इसलिए जीव प्रार्थना करता है, देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन न्याथ त्यागू, यही गीत गाते, यही गीत गाते मैं तन न्याथ त्यागू, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, त्वमादि देव पुरुष पुराण,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। त्वम स विश्वस्य परम निधानम्, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वेता शिवेदं च परं च धामम्, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तोयात तह विश्वमनंत रूपम्, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तोयात तह विश्वमनंत रूपम्, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कालिका, राम कथा कालिका, राम कथा कालिका कराला, राम कथा, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषे सब साला, महामोह महिषे समिसाला,
राम कथा कलिका मद गाई, राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मोरी सुहाई, सुजन सजीवन मोरी सुहाई, बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन, बुद्ध विश्राम सकल जन रंजन, राम कथा कल कल सब भंजन, राम कथा कल कल सब भंजन, तेरा परमारथ बन जाए मेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद के जथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय 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 राम कथा, जय श्री राम कथा, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना, संत चकोर करहि जहि पाना, गाकर तू भी अमर हो जाए, गाकर तू भी अमर हो जाए, श्री हनुमंत जथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा कल बिटप कोठारी, राम कथा कल बिटप कोठारी, सादर सुन गे राजकुमारी, सादर सुन गे राजकुमारी, राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहंग बुड़ावन हारी, संशय विहंग बुड़ावन हारी, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा,
माँ पार्वती के जथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, सौ जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय। सुनहु तात जहि कारण आयो, सुनहु तात जहि कारण आयो, सो सब भयो दरस तब पायो, सो सब गयो तरस तब पायो, देखि परम पावन तव आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम, सादर तात सुनावहु मोही, सादर तात सुनावहु मोही, बार बार बिनाऊ प्रभु तोही, बार बार बिनाऊ प्रभु तोही, जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, सौ जन्म जन्म की व्यथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम तत्व परमात्मा की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः।
अतुलित बल धामम हेम सौलाभ देहम जगत गुण निधानम सकल गुण निधानम जगत गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम राघव प्रिय भक्तम वात जातम नमामि वात जातम नमामि वात जातम नमामि हे गोविंद हे माधव हे मुरलीधर हे मेरे राम हे राघव मुझे अपना बना लो प्रभु मुझे अपना बना लो प्रभु मैं आपका ही हूँ प्रभु मैं आपका ही हूँ प्रभु मुझे अपना बना लो प्रभु मुझे अपना बना लो प्रभु हरि ओम तत्सत। भगवत धर्मानुरागियों, परमात्मा का हम सभी ने बाल स्वरूप लीला गायन सुना, किशोरावस्था का लीला गायन सुना। हमारे प्रभु कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि वन की ओर प्रस्थान करेंगे, उस प्रसंग के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। ऐसा नहीं सोचिएगा कि हमारे प्रभु बन गए। देखिए एक बात कहूं, जो भक्त के प्राणधार हूं वो कभी बन जा ही नहीं सकते, वो भक्त के हृदय में ही रहते हैं। खुद कहते हैं, ना अहम बसामि वैकुंठम योगिनाम हृदय न च मदभक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां मुझे प्रेम से पुकार देते हैं, भाव से मुझे याद करते हैं, मैं उन्हीं के पास रहता हूं, क्योंकि उनके प्रेम पास में ऐसे बंधता हूं चाह करके भी वो मैं उनसे विदा नहीं हो पाता। और ऐसा प्रसंग मैं अपने से नहीं कह रहा। विचार करिएगा, द्वापर में समस्त कार्य को निपटा करके युधिष्ठिर को राजा बना करके हमारे प्रभु जब द्वारिका जाने के लिए प्रस्थान करने के लिए रथ पर बैठने ही वाले थे कि कुंती ने रोक दिया। और कहा, सुना है तू अपने को बहुत छिपाता फिरता है, लेकिन तू मेरी नजरों से नहीं छिप पाएगा। गोविंद ने कहा, अरे ऐसा क्या है बुआ? कुंती ने कहा, आज मैं तेरी बुआ नहीं। सुन, क्या मैं ऐसा हूं? तो राजा दशरथ ने कहा अपने मन में, वशिष्ठ जी बैठे हैं बगल में, विचार किया, ओह कुछ ज्यादा हो गई, अब मुझे इतनी प्रशंसा नहीं सुननी, इस प्रशंसा का पात्र सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही है जिसकी प्रशंसा की जाने चाहिए, और वह कौन हो सकता है? मेरा राघव है। तो अपने जीवन का सब कुछ उस राघव को समर्पित कर दो जब आपकी प्रशंसा होने लगे। ये सूत्र दे रहा हूं, जब आपकी प्रशंसा करने लगा कोई तो आप यही कह दो, मेरा कुछ नहीं है,
आप जो कह रहे हो वो आप अपने तक सीमित रखो, इसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं आएगा। अपने मन से कहो, उसको उसको जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन से कहो कि आपने जो भी कहा होगा ये मेरे ऊपर प्रभावी नहीं होगा, ये मुझे प्रभावित नहीं करेगा। आपकी स्थिति क्या होनी चाहिए? निर्माण मोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्याभिनिवृत्त कामा, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई, गच्छन्ति मूढ़ा पद्मं भयं तत्। मान और अपमान यही दोनों हथकड़ी है जो कि जीव के पैर को बांध देती है। आपका अधिक मान हुआ, आपकी अधिक प्रशंसा हुई, अहंकार की हथकड़ी ने बांध दिया। अपमान हुआ, अपमान की हथकड़ी ने बांध दिया। तो ये जो मान और अपमान है, इससे परे होने का एक ही सिद्धांत है, बड़ा सरल और बहुत सुगम, कि जैसे ही आपकी कोई प्रशंसा करे हाथ जोड़ लो, साधारण हो, और फिर अंतर हृदय में ये क्षमता बनाओ, अगला आदमी झूठ बोल रहा है, मैं उस लायक नहीं हूं, अगला झूठ बोल रहा है, मेरी क्या सामर्थ्य है, और जो भी है मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सौंप दो गोविंद को, फिर देखो क्या होता है। यही आज राजा दशरथ कर रहे हैं। जैसे ही लोगों ने प्रशंसा करी, दरबारियों ने प्रशंसा करी, राजा दशरथ ने आत्म सेल्फ रियलाइजेशन किया और कहा अब हमें गद्दी राम को सौंप देना चाहिए। जीवन में जब भी धन आए, संपत्ति आए, वैभव आए, ये सब जब आए इकट्ठा हो जाए, तो चौथा ये लेकर के आता है अहंकार को। यह अहंकार न आए इसके लिए जितना धन संपत्ति वैभव है सब ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दो और कह दो ठाकुर मैं तेरा दास, तू मेरा मालिक, मैं तेरा दास, मेरी व्यवस्था को तुझे संभालना है, मैं तो जैसा तेरा आदेश मिलेगा ठाकुर मैं वैसा ही करूंगा, फिर देखना राम आपसे दूर नहीं होंगे। लेकिन यहां क्या हुआ, राजा ने एक गलती कर दी। जब यह प्रश्न किया वशिष्ठ से कि मैं राम को राज तिलक देना चाहता हूं, जरा अपना पत्रा खोल करके देखिए कब दूं, कब घड़ी है, कब शुभ मुहूर्त है, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि राज तिलक करने के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है, जब मुहूर्त देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, अभी कर दो, सुभच शीघ्रम, जो करना है अभी करो, कल पर, क्योंकि काल सदाए अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ी बोले। आपको जो करना है अभी करो, तुरंत करो, न कल हुआ है कभी किसी का और न कल होने वाला है। अगर कल के लिए आप कहते हो तो कल कभी आपका आने वाला। राजा दशरथ ने यही गलती करी, कल पर टाल दिया। अच्छा एक बात आपसे पूछूं, आप किसी मंदिर में जाओ, आपको कुछ वहां दान पात्र में चढ़ाना हो कि हम 10,000 रुपया मंदिर में चढ़ाना चाहते हैं, तो क्या किसी पंडित से पत्रा पूछवाने लगोगे कि देखिए कोई शुभ मुहूर्त हो तो उसे में 10,000 रुपया हम देना चाहते हैं? पंडित से पत्रा तो नहीं पूछवाते ना। तो जब भी कुछ देना हो, जब भी कुछ करना हो, ठाकुर जी को अर्पित करना हो, तो उसके लिए कभी किसी पत्रा और पंडित की जरूरत नहीं होती। गुरुदेव ने संकेत किया कि जिस क्षण आप इनको राज्याभिषेक कर देंगे वही घड़ी शुभ है, शुभस्य शीघ्रम, जल्दी करिए।
लेकिन राजा ने कहा थोड़ा टेंट तंबू लगवा लूँ तब अच्छे से करूँ। और वो टेंट तंबू लगवाने के लिए राजा ने एक दिन का समय लिया, और उसी एक दिन के समय में कथा विदित है, देवताओं को पता चला, माता सरस्वती के पास आए, उन्होंने और किसी की तो बुद्धि नहीं पलटी क्योंकि सब राम का अनुसरण करते थे, एक राम से प्रेम नहीं करती थी, दासी थी, कुबरी थी, मंथरा थी, उसी की बुद्धि फेर करके चली गई। आप जानते हैं कैकेयी कहाँ की थी? कैकेयी कैकेयी देश की थी जो जम्मू कश्मीर है, कश्मीर से थी। और जब एक घटना घटती है कि जब शादी विवाह में कैकेयी नरेश आए थे अपने पुत्र के साथ में, तो भरत और शत्रुघ्न को राजा दशरथ से मांग करके लेके गए थे उच्च शिक्षा के लिए। इसलिए मांग करके ले गए थे कि राजा दशरथ ने राम और लक्ष्मण को उच्च शिक्षा के लिए विश्वामित्र के साथ में भेज दिया था, लेकिन भरत शत्रुघ्न को उच्च शिक्षा नहीं मिल पाई थी। और कैकेयी नरेश जो है बहुत बड़े विद्वान थे, हर कला में माहिर थे, तो अपने दो बच्चों को राजा दशरथ ने उन्हें सौंप दिया। किशोरावस्था थी, विवाह हो गया था, मांडवीय सुतकृति आ भी गई थी, बावजूद राजा दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों को कैकेयी नरेश को सौंप दिया। और वह जम्मू कश्मीर में कैकेयी नरेश पड़ता है, कैकेयी देश पड़ता है, तो वहाँ जाकर के ये लोग विद्या को सीख रहे थे। और इधर मंथरा ने अपनी चाल चली, चाल में कामयाब हुई, पिछली बार हमने इसकी चर्चा करी थी। राजा दशरथ को पता चला कि कैकेयी कोप भवन में है। मैंने एक बार पिछली बार भी कहा था, इस बार भी कहना चाहता हूँ कि भवन बनवाइए तो उसमें अलग से अपने पिंड से हट करके एक कोप भवन बनवाइए, और जब पत्नी नाराज हो या घर का कोई नाराज हो तो उस कोप भवन में जा करके लेट जाए या बैठ जाए, घर जिससे नाराजगी हो उस पर एक पर्चा चिपकवा दिया जाए कि इनसे नाराजगी। तो फला व्यक्ति जा करके उन्हें मनाए, तो कोप भवन में मनाने से क्या होगा कि जो अवसाद, जो गुस्सा, जो दिक्कत होगी वो उसी कोप भवन तक सीमित रहेगा, आपके अपने भवन तक नहीं आएगा। लेकिन दुख इस बात का है कि आज 24 घंटे गुस्सा अपने ही भवन में होता है और सबके अंदर उसका प्रभाव पड़ता है, चाहे छोटा सा बालक हो और चाहे 70 साल का वृद्ध हो। अरे हमने तो देखा है, साल भर का बच्चा कुछ इधर उधर कर दो तो वो भी ताव में आ जाता है, साल भर का है, मैंने देखा कई लोगों के यहाँ तो ऐसे कड़क अड़कड़ जाते हैं जैसे बच्चे, हम देखो अभी ये साल भर के हैं। तो ये क्यों, किस कारण से हो रहा है? इसके दो कारण हैं। पहला तो घर में जो टीवी आई है उसमें जो धारावाहिक देखा जाता है उसका कारण है। पेट में बच्चा आया, गर्भ में बच्चा आया, और बेटियाँ रिमोट लेकर के बैठ जाती हैं, और जितनी घर घर की कहानी है, सास कभी बहू थी, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का है, जिसमें प्रपंच चलता है और देखती रहती है, पेट में बच्चा आया है और वह प्रपंच, वह बच्चा सुनता रहता है अंदर शांत चित्त से, क्योंकि उसको सुनने के अलावा कोई काम नहीं है, वो सुनता रहता है। वही प्रपंच कैसे सुनेगा, कान के माध्यम से आपके जा रहा, जैसे आप सुन रहे हो वैसे वो सुन रहा, जैसे आपके हृदय में शरीर में एक्टिविटी हो रही है उसी तरह से वो छोटे से बच्चे के शरीर में हृदय में एक्टिविटी हो रही होती है। और फिर जब वो बाहर आता है तो 5 साल तक के बच्चों को कुछ पता नहीं होता था कुछ ज़्यादा कि क्रोध क्या होता है, लोभ क्या होता है, मोह क्या होता है। यहाँ तो साल भर के बच्चे होते होते
पहला तो मोबाइल हाथ में ले लेते हैं, 6 महीने का बच्चा है उसके हाथ में देखो तो मोबाइल के लिए झपट पड़ता है, साल भर का बच्चा ऐसे ऐसे करता है, हमने देखा है। इसका साइड इफेक्ट जो है एक पूरी मानव जाति को एक तरह से अपंग बना दे रही है। आप लोगों के ऊपर भी इसका साइड इफेक्ट पड़ा है, मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, आप लोग व्यवसायी लोग हैं, कभी कभी किराना की दुकान पर जब पर्ची आती थी तो उस पर्ची पर रेट लिखते थे और एक सट्टे में जोड़ देते थे, पल भर में जोड़ते थे और अगले को लिख करके देते इतना हुआ। आज अगर कैलकुलेटर ना हो जोड़ नहीं पाते, जोड़ते भी हैं तो आपको अपने पर विश्वास नहीं है, आपका सेल्फ रियलाइजेशन खत्म हो चुका है, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, आप खत्म हैं, आप यांत्रिक हो गए। आपको लिखने के लिए कहा जाए कि अच्छी राइटिंग में एक एप्लीकेशन बना करके लिख दीजिए तो आप कंप्यूटर की तरफ भागते हैं, उसमें कहीं से मिला पड़ा होगा, उसी में बस थोड़ा सा नाम और कुछ एडिटिंग करनी होगी करके हम बना देते हैं। कभी कभी तो दिक्कत इस बात की होती है आजकल के लड़कों की कि उनको बायोडाटा भरना होता है, एक एप्लीकेशन देना होता है कि मैं आपके कंपनी में जॉब करना चाहता हूं, और गलती से डाउनलोड करते हैं छुट्टी वाला एप्लीकेशन, उसी में अपना नाम लिख करके दे देते हैं कि मैं छुट्टी चाहता हूं, क्योंकि अंग्रेजी पूरी पढ़ने नहीं आती, ठीक से पढ़ नहीं पाते, ध्यान नहीं देते, बायोडाटा दिया है कि मैं आपके कंपनी में एंट्री चाहता हूं, और जब वहां मैनेजर देखता है पढ़ता है तो उसमें लिखा हुआ है कि मैं कुछ दिन के लिए छुट्टी चाहता हूं। ये कैसे हुआ? ये कंप्यूटर के द्वारा हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका अपने पर से विश्वास खत्म हो रहा है, विश्वास यंत्र पर हो रहा है, और जब भी व्यक्ति का अपने पर से विश्वास खत्म हो करके दूसरे पर गया है उसकी दुर्गति हुई है, और आप दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। समय समय मेमोरी खत्म हो रही है, पहले लोग गिनती और पहाड़ा अपने मेमोरी में रख लेते थे, आज गुणा भाग करना होता है तो कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ता है। यह क्यों हो रहा है? इसके पीछे यंत्र काम कर रहे हैं। आज वही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जीवन को अगर जीना है तो थोड़ा इनसे दूरी बनाओ। सोते समय मैं कितने लोगों को देखता हूं, कितने बेटे बेटियों को देखता हूं। आज मुझे यह कहने का क्यों हो रहा है? क्योंकि ये मेरी पीड़ा है। सोते समय बच्चे मोबाइल देखते देखते बगल में सर के पास में तकिया के नीचे रख करके सो जाते हैं। आप जानते हैं उस मोबाइल से कितनी रेज निकलती है, और वह रेज आपके माइंड को कितना हार्म करती है आप सोच नहीं सकते। लेकिन मानते नहीं आप। आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि मोबाइल का उपयोग करिए, एक टाइम फिक्स कर दीजिए, इतने बजे मोबाइल का उपयोग करूंगा, तत्पश्चात उसको अपने से कम 5 फीट की दूरी पर रखिए। इतनी दूरी बना करके रखिए कि उसकी रेज आप तक न पहुंचे। मोबाइल रखने के लिए लोग बगल के जेब में रखते हैं, बहुत गलत है। मोबाइल आप अपने पैंट में रखिए जरूरी है तो, या कोई बेल्ट बनवा करके आप रखिए उसमें, या नीचे के कुर्ता वाले जेब में रखिए, अगर कुर्ता नहीं पहनते तो पैंट में रखिए, लेकिन आप कभी भी मोबाइल ऊपर ना रखिए। ये रेज निकलती है, ये आपके हार्ट को दिक्कत कर पैदा कर सकती है। आप लोग समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इस व्यवस्था को अगर अपनाते हैं आप तो निश्चित तौर से आपका जीवन सुरक्षित सिक्योर रहेगा, और आप अपने जीवन में 10-5 साल और ज़्यादा अवधि तक कुछ अच्छा देख पाएंगे। मैं धीरे धीरे अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं, खास करके उन बच्चों से कहूँगा जो पढ़ाई के नाम पर
गेम खेलने लग जाते हैं। मम्मी पापा ने मोबाइल उनको उपलब्ध कर दिया, कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चलने लगे, बच्चों को मोबाइल दे दिया, बच्चे क्या करते हैं, बुक के अंदर रखेंगे मोबाइल को और उसमें गेम खेलेंगे। ऐसा लगता है कि वो सोच रहे हैं कि हमारे मम्मी पापा देख नहीं रहे, हम ये काम कर ले रहे हैं। अरे पगले, मम्मी पापा देखें ना देखें, तू अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, तेरा अपना खुद का जीवन बर्बाद हो रहा है। क्या तू आया है जगत में कुछ करने के लिए या मम्मी पापा के सहारे जीने के लिए? तू बैसाखी का सहारा लेकर के चलना चाहता है कि अपने दम पे कुछ करना चाहता है? अगर अपने दम पे कुछ करने की तमन्ना रखते हो, क्षमता रखते हो, तो ध्यान रहे ऐसी स्थिति न बने। अगर मोबाइल आपके लिए आवश्यक है तो आपका जीवन भी आपके लिए उतना ही आवश्यक है। इसे जीवन के साथ जोड़ करके देखो, यह जीवन के लिए घातक है। कैकेयी नरेश ने दोनों पुत्रों को बुलाया और उन्हें धनुर्विद्या की शिक्षा दिलवाना प्रारंभ किया। इधर राम राज्य चल रहा है, राजा दशरथ की प्रशंसा होने लगी। राजा दशरथ ने प्रशंसा जब देखा तो कान के पास में बाल सफेद हो गए थे, मुकुट थोड़ा टेढ़ा हुआ, कान के पास में बाल देखा कि सफेद हैं। अच्छा, आपने देखा है कि कान के पास ही बाल क्यों सफेद होते हैं? शुरू में कान के पास बाल सफेद इसलिए शुरू में होते हैं, मानो संदेश कान को देना चाहते हैं कि अब एक काले काम करना बंद कर दे, सफेद काम कर। ये जो काला काम कर रहा है ना, 2 का 5, 5 का 25, इसको बंद कर, अब सफेद काम कर। सफेद यानी प्रकाश, यानी परमात्मा, यानी नाम जाप कर। जब हो गए 51 के तो यह ध्यान रख लेना कि अब तैयारी हो रही है आपकी अपनी सारी व्यवस्था को अपने पुत्र पुत्रादि के ऊपर छोड़ने की। और जब हो गए 52 तो परिवार में ऐसी, अब तो नहीं कह सकता, लेकिन 52 की अवस्था आते आते नाती पोते जरूर हो जाते हैं अगर ठीक समय से विवाह हुआ है तो। तो जब नाती पोते हो गए तो पोते नाती क्या कहते हैं? बाबा, बाबा, दादा, यही कहते हैं ना, नाना। तो बाबा, दादा, नाना कहलवाने के लिए आप तैयार हो गए, सुनते भी हैं। किससे सुनते हैं? कान से। तो 52 के हो गए तो 52 का अर्थ होता है बाबा बन, बा बन। और जब 52 हो गए, बाबा बनने की स्थिति आ गई, ध्यान रखना उसी दिन से काले बाल को काला छोड़ करके सफेद बाल को काला करने की जो जरूरत पड़ जाती है, हम सब करने लगते हैं, उसे उसी हाल पर छोड़ दो और बाबा बन जाओ। मैं ये कहता हूं कि आप काला कर भी लो, लेकिन ध्यान रहे कि अब बाबा बनना है। अब संदेश आ गया मेरे राम का कि हाथ में अब झोली माला हो जाने चाहिए, कम से कम एक माला का नाम जाप हो जाए, कम से कम, कुछ मत करो, कम से कम एक माला का नाम जाप कर लो। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते तो कर ही रहे हो। अब राम जाने कर रहे हो नहीं कर रहे हो, मेरे तो विश्वास है कि कर रहे हो, लेकिन अगर कर रहे हो तो एक माला का जाप बढ़ा दो। ये एक माला का जाप आपके कल्याण के लिए, परमात्मा से मिलन के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। सिर्फ एक माला आपको मार्ग प्रशस्त करा सकता है। अब आप कहोगे, गुरुजी हम तो माला लेते नहीं, हम तो जपते नहीं। तो माला किसके लिए कही जाती है? जो प्राइमरी अवस्था में है, जिनका मन संयत नहीं है, जो राम कथा सुन तो रहे हैं अपने आश्रम में आकर के, लेकिन जिनके मनी राम जी महाराज
अपने घर के अलमारी में रखे धन की तरफ लटके हैं, कथा यहां सुन रहे हैं, उनके लिए माला की जरूरत है। और जिनका माला ठीक हो गया है तो उन्हें अब माला की जरूरत नहीं है। करका मन का डार दे, अब मन का फेर। लेकिन मन का कौन फेरे? कबीरदास जी ने यह तय नहीं किया। लेकिन मूर्ख हैं वो लोग जो कबीरदास जी की भाषा को समझते नहीं। कबीरदास जी ने कभी साधारण व्यक्ति के लिए बात करी ही नहीं। उन्होंने तो कहा कि साधो यह मुर्दों का देश, संतो जागत निधन की जो। उन्होंने संबोधित किसे किया? संतों को, साधुओं को, किसी गृहस्थ व्यक्ति को कभी संबोधित नहीं किया। इसलिए कहा कि कर का मन का डार दे, इसलिए कहा कि कर का मन का डार दे और मन का फेर। किसके लिए कहा? संत के लिए कहा, गृहस्थ के लिए नहीं कहा। तो जब गृहस्थ संत की स्थिति में आ जाए, धीरे 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 उसके अंदर संतत्व आने लग जाए तो ऑटोमेटिकली उसकी हाथ की माला छूट जाएगी, श्वास की माला चलनी शुरू हो जाएगी। तब श्वास श्वास में राम कहू, वृथा श्वास जन खो, न जाने इस श्वास का आवन हो ये न हो। पता नहीं कोरोना आ गया, अटक गई श्वास, सिलेंडर पर सिलेंडर लगाते रहे, बच नहीं पाए। मुझे तो ताजुब होता है यमराज जी की सर्विस कितनी फास्ट थी, उनके चेले चपेटे कितने तेज थे कि जैसे ही सांस चलने लगती थी बेड के बगल में आके खड़े हो जाते थे, बेड के बगल में आके खड़े हो जाते थे। काहे सिलेंडर बर्बाद कर रहा है, अब तू चल। ऐसे ही एक सज्जन बेड पे पड़े थे, आईसीयू में थे। एक सज्जन की उनसे बड़ी मित्रता थी, तो मित्रता थी तो बेड पर पड़े थे, ऑक्सीजन चला था, चल रहा था, मुंह पर ढकनी लगी थी। देखने के लिए गए, मित्र ने पूछा कैसे हो मेरे मित्र? तो चूंकि ढकनी लगी थी तो बोल तो नहीं पा रहे थे। अब इन्होंने प्रश्न कर दिया कि कैसे हो, तो बोल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने कहा, इशारा किया, कागज कलम दो तो लिख करके बता दें मैं कैसे हूं। तो उन्होंने अपने जेब से कागज निकाला और कलम दिया और उस पर लिखा, लिख करके मोड़ करके दे दिया। इतने में मर गए। बड़े दुखी हुए कि बता भी नहीं पाया कि कैसे हूं। कागज जेब में रखा और बाहर आया और कहा कि भाई आपके पिताजी तो, बच्चों से कहा आपके पिताजी तो गुजर गए, हमारे परम मित्र थे, हमको लगता है हम ही को देख करके वो अंतिम सांस लिए। हो सकता है उनके मन में यही इच्छा रही हो कि हम अपने मित्र को देख लें, अंतिम सांस ले लें। और जैसे ही मैंने उनसे दो मिनट खाली, मैं तीन मिनट उनके पास खड़ा रहा, इस दो तीन मिनट में ही वो गुजर गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने मुझे एक पत्र दिया है, आप सबको सुनाना चाहता हूँ। बड़े भावपूर्ण भाव में आकर के उन्होंने पत्र खोला, उसमें लिखा था कि ऑक्सीजन के पाइप पर पैर रखा है, हटा दे नहीं मैं मर जाऊँगा। ऑक्सीजन की पाइप पर पैर रखा है, हटा ले नहीं तो मैं मर जाऊँगा। लेकिन नहीं हटा पैर और राम नाम सत्य हो गए। तो कभी कभी इमोशनल चीजें भी अपने अपनों का भी दिक्कत पैदा कर जाता है। तो यह राम कथा है, इसमें आपके मनी राम कहीं और न जाएं, यहीं बैठे रहें। और राम कथा जब आप सुनो तो यह आपके अंतर हृदय की व्यथा को
शुद्ध करके कथा में परिवर्तित कर देगा, क्योंकि जीव की व्यथा होती है और मेरे राम की कथा होती है। परमात्मा की कथा होती है, जीव की व्यथा होती है, लेकिन यही कथा व्यथा के साथ जब जुड़ती है तो वह व्यथा कथा बन जाती है। यह संदेश देने के लिए हमारे राम ने इस जगत पर, इस धराधाम पर अवतार लिया था, संदेश देने के लिए। राजा दशरथ से कैकेयी ने वरदान मांग लिया, राजा दशरथ को वरदान देना पड़ा। राजा दशरथ भी नहीं समझ पाए कि जो कैकेयी राम को इतना प्रेम करती थी, वह राम के लिए वनवास क्यों मांगी। और आप विचार करिएगा कि राम को वनवास उसने मांगा तो 14 साल का ही क्यों मांगा। 15 साल का मांग सकती थी, 16 का मांग सकती थी, 20 का मांग सकती थी, 12 का मांग सकती थी, 13 का मांग सकती थी। यह एक सूत्र है, कर्म रूपी कैकेयी जब अपने आराध्य के लिए कुछ मांगना चाहती है तो मांगती है कि 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री और 4 अंतःचतुष्टय से मैं उस आराध्य को अपना बनाना चाहती हूं। यानी मन से, वाणी से तो हमने प्रभु को याद किया ही किया, लेकिन हमारी कर्मेंद्री, हमारी ज्ञानेंद्री, हमारा 4 अंतःकरण का 4 चतुष्टय जब एकाकार होगा तभी हम बन पाएंगे। क्या बन पाएंगे, किसके बन पाएंगे? कहा राम के बन पाएंगे, हम राम के होंगे। लेकिन यह बात राजा दशरथ को समझ में नहीं आई। क्यों नहीं समझ में आई? क्योंकि राजा दशरथ ज्ञानी तो थे लेकिन एक रोग से पीड़ित थे, वह रोग था मोह का। मोह सकल व्याधि न करे मूला, मोह सकल तही ते पुनि उपजई बहुसूला, तही ते पुनि। यह मोह जो है समझ नहीं पाया। आज राम को बन जाने की आज्ञा मिल गई। प्रभु ने जब सुना, विचार करिएगा, सुबह सुबह राज्याभिषेक होना है और रात्रि में आदेश क्या मिल रहा है कि 14 साल के लिए बन जाना है। आज कलयुग का बेटा होता तो हाईकोर्ट जाता, स्टे ले लेता, कहे भैया हम घर के सबसे बड़े हैं, राज्याभिषेक हमारा ही होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? लेकिन राम ने एक भी शब्द ऐसा कुछ कहा क्या? न कहने के पीछे का कारण क्या है कि राम की कैकेयी की वार्ता बहुत पहले हो चुकी थी, उनकी अंदर की सेटिंग गेटिंग थी जो न भरत समझ सकते थे, न कौशल्या समझ सकती थी, न शत्रुघ्न समझ सकते थे, न दशरथ समझ सकते थे, न परिवार का कोई सदस्य समझ सकता था। क्या थी उसकी कथा हमने पिछली बार कह रखी है, इसलिए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। राम जी वन के लिए जब तैयार हुए तो किस भाव में जाने के लिए कैकेयी ने कहा है? तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। वेश कैसा हो? तापस का हो। विशेष उदासी, उदासी का मतलब कोई उदास जो होता है उससे जुड़ करके नहीं देखा जाए, उदास का मतलब होता है निर्विकार। और राम कौन है? निर्विकार हैं। तो कैकेयी ने कोई गलत बात नहीं कही
कि वह परमात्मा जो परम तत्व हैं, जो विशेष हैं, वह किस रूप में है, कहा निर्विकार हैं। कोई विकार नहीं है, कोई आकार। निर्विकार का अर्थ कई होता है, अभी आप जान लीजिएगा। निर्विकार का मतलब होता है बिना आकार का, और निर्विकार का मतलब होता है बिना विकार का, विकार से रहित। तो तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान तैयार हुए, माता सीता ने कहा मैं भी चलूंगी। तो राम जब तैयार हुए तो माता कौशल्या ने कहा भैया तुम्हारे पिता ने तुम्हें बन जाने की आज्ञा दी है ना, मैंने तो नहीं दिया। और सारी व्यवस्था में पति के साथ में पत्नी का भी आधा अधिकार होता है। तो राजा दशरथ ने 2 वरदान दिया है कैकेयी को, पहला भरत को राज्य तो मैं सहर्ष स्वीकार करती हूं, दूसरा राम को वनवास तो मैं स्वीकार नहीं करती क्योंकि आधे के हिस्सेदार मैं भी हूं। तो भरत को राज्य मिल जाए ये मैं भी चाहती हूं, मिल जाए कोई मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन राम को बन जाना हो यह मुझे आपत्ति है, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। तो प्रभु ने माता को समझाया कि माँ तू राम की माँ है, और राम की माँ को लोग कलंकित करें कि पुत्र मुह में अपने पुत्र को बन जाने नहीं दिया, तो तू श्रेष्ठ माताओं में नहीं गिनी जाएगी। ऐसा बहला फुसला करके प्रभु ने माता को मना लिया। माँ सीता आई, सीता ने कहा कि प्रभु जहां आप हैं वही मैं हूं, जहां राम हैं वही सीता है। वो पता नहीं किसी फिल्म का एक ठो गाना था, मुझे याद नहीं आ रहा था, सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से, ए बंधन तो प्यारे का बंधन है, जन्मों का संगम है। मातृता ने कहा कि सूरज चकवा चकई पवन जितने भी उदाहरण थे दे डाला, और कहा मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती, एक पल भी नहीं रह सकती। भगवान ने कहा तो वहां पे बड़ी स्थिति खराब होगी, क्या खराब होगी? तो प्रभु ने कहा भूमि शयन बलकल बसन, असन कंद फल मूल, ते कि सदा निस्दिन मिलहि समय समय अनुकूल। जमीन पर सोना पड़ेगा, और तुमको तो फूलों की पंखड़ियां भी चुभ जाती हैं, इतनी कोमल हो तुम, कैसे जमीन पर सो पाओगी? मां ने कहा कि अगर आप मुझे अपने साथ नहीं लेवा जाएंगे तो ध्यान रखिएगा आप मुझे जीवित नहीं पाएंगे। मां सीता के इतना कहने पर प्रभु ने उनको साथ लिया। तब तक लक्ष्मण जी छोटे भैया आकर के खड़े हो गए। प्रभु मैं भी चलूंगा, ये मैं क्या सुन रहा हूं, और जो भी सुन रहा हूं मैं किसी को दोष नहीं देता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। भगवान ने कहा बन जाने के लिए आज्ञा मुझे हुई थी और मुझे ही जाना चाहिए, तुझे जाना नहीं है, और तू जाएगा तो इस समय पिताजी दुखी हैं, उन्हें संभालेगा कौन?
लक्ष्मण ने कहा, प्रभु आप कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, आप ये जानते हैं? मोरे सबई एक तुम स्वामी, मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतरयामी, दीन बंधु अंतरयामी, मोरे सब ध्यान रखिएगा। भक्त के नात रिश्तेदार पूर्व परिवार सब होते हैं, भक्त के नात रिश्तेदार पूर्व परिवार सब होते हैं, लेकिन भक्त का रिश्ता सिर्फ भगवान से होता है। और एक बात कह देना चाहता हूं, उस भक्त के साथ अगर जो जुड़ा है, उस भक्त के साथ जो जुड़ा है तो भक्त का कल्याण तो होता ही है, भक्त के साथ जुड़े हुए उस व्यक्ति का भी कल्याण हो जाता है। इसलिए भक्त जो है वो सीधे सीधे कहता है कि जगत मेरा है, मेरे सब हैं, लेकिन स्वामी मालिक परमात्मा अपना जिससे मैं कुछ कह पाऊं, वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आप हैं, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये भक्त और भगवान के बीच की लीला है। इसलिए भोजपुरी में कोई भजन था, जो तू ना हरि के भजल, जो तू ना हरि के भजल, ना भजला सीता राम के, इतना बता द ई देहिया कौन काम, इतना बता द ई देहिया, जो तू ना हरि के भजला, जो तू ना भरि के भजला, ना भजला सीता राम के, इतना बता द ई देहिया, इतना बता द। लक्ष्मण जी महाराज रोने लगे, चरण पकड़ करके रोने लगे। भगवान ने कहा तू रो रहा है, तू इतना वीर धीर हर, तू शेषावतार है, तू रो रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा मैं शेषावतार अवतार कुछ नहीं हूं, आप अपना अपने पास रखिए, मैं आपका भक्त हूं, इसके अलावा कुछ नहीं हूं। और ये आंख में जो आंसू है, ये तो प्रेम के आंसू है राघव, ये तो प्रेम के आंसू है राघव, हर जगह पर निकलते नहीं है, ये तो प्रेम के देख नजरों के आगे तुझको, देख नजरों के फिर आंखों में रुकते नहीं है, देख नजरों के आगे तुझको फिर आंखों में,
ये तो प्रेम के हर जगह पर, ये तो प्रेम के परमात्मा के चरण को पकड़ करके बैठ गए और कहा ठाकुर जब आप उठाओगे तभी मैं उठूंगा और नहीं ये आंसू ऐसे ही निकलते रहेंगे। प्रभु ने कहा तू बहुत जिद्दी है लेकिन तू बहुत प्यारा है, तेरे बिना मैं रह भी तो नहीं पाऊंगा। और फिर जब अनुमति मिलती है लक्ष्मण को तो जैसे उनके उनके शरीर में प्राण आ जाता है, दौड़ करके जाते हैं माँ सुमित्रा के पास में और सामने खड़े होकर के चरण में पड़ते हैं, खुशी के मारे आंसू निकल रहे हैं। माँ सुमित्रा से कहा मैया आज्ञा दे सकती है? माँ सुमित्रा ने कहा पुत्र अगर शत्रुघ्न को भी जरूरत पड़े तो मैं अपने दोनों पुत्रों को परमात्मा की सेवा में सर्वदा के लिए देना चाहती हूं। तू बड़भागी है, तुझे परमात्मा की सेवा का अवसर मिला है, चूक न जाइयो, जाओ बेटा जाओ। दौड़ करके फिर धर्मपत्नी उर्मिला के पास जाते हैं, उर्मिला एक टक निहारती है, आंखों में आंसू आने वाले हैं, डेहरी तक आ गए हैं। लक्ष्मण ने इशारा किया इन्हें रोक ले और ध्यान रहे तेरे एक आंसू अगर जमीन पर गिरेंगे तो मैं विचलित हो जाऊंगा और मैं विचलित हो जाऊंगा तो राम की सेवा का जो पूर्ण फल है उससे मैं वंचित हो जाऊंगा और ऐसा तू होने मत देना। ऐसा कहा जाता है उर्मिला ने आंख की डेहरी पर आए हुए आंसू को समेट लिया, नीचे नहीं गिरने दिया और कहा पतिदेव बड़भागी आप हैं कि आपको राम की सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूं, मैं एक आपकी आरती लेना चाहती हूं और यह आरती मैं जब तक आप 14 साल तक लौट करके नहीं आएंगे तब तक यह जलेगी और मैं जाग करके आपकी आरती की इस दीपक की पूजा करती रहूंगी, एक पल भी नहीं सोऊंगी। धन्य है वह तपस्विनी, विचार करिए कि 14 साल तक सोई नहीं है। इधर रथ तैयार हुआ, भगवान वन को जाने के लिए तैयार हुए, माँ सीता हैं साथ में लक्ष्मण हैं। नगरवासियों को जब पता चला तो रथ के आगे आकर के लेट गए, नहीं ठाकुर आपको हम जाने नहीं देंगे, आप मेरे प्राण हैं, यह रथ मुझे कुचल करके जाएगा, मेरे प्राण निकाल करके जाएगा, ऐसे मैं आपको जाने नहीं दूंगा। प्रभु ने सबको हाथ जोड़ा और कहा ऐसा ना करो, आप हमारे हो, क्या आप नहीं चाहते कि मुझे अपने पिता की आज्ञा का पालन न करने का दोष लग जाए? आप चाहते हैं यही? अगर ऐसा नहीं चाहते तो आप मेरे मार्ग को छोड़ दो। सभी लोगों ने मार्ग को छोड़ दिया लेकिन कहा ठाकुर आपकी बात एक मैंने मान ली और एक बात आपको हमारी माननी होगी, हम भी आपके साथ चलेंगे। भगवान ने कहा बन जाने का आदेश मुझे हुआ है, आप लोगों को नहीं। उन लोगों ने कहा मैं किसी के आदेश की प्रतीक्षा नहीं करता, हम लोगों के मन ने हमें आदेश दिया है कि जो न मेरे राम का वो न मेरे काम का, जहां मेरा राम नहीं वहां मैं नहीं रह सकता। और इतना कह करके समस्त नगरवासी रथ के पीछे पीछे चल दिए। सुमंत जी को राजा दशरथ ने कहा बुला करके सुमंत बन दिखा करके वापस लेकर चले आना,
ये रुके नहीं, इनको लेकर के वापस आना, मैं तुम्हें आदेश देता हूं। सुमंत ने कहा जो आज्ञा, मैं ऐसा ही करूंगा। रथ चला, पीछे पीछे नगरवासी चले और पहला विश्राम श्रृंगपेरपुर में हुआ। भगवान राम मां सीता लक्ष्मण भैया के साथ में वहीं उतरे। जब यह बात निषादराज गुह को पता चली कि हमारे गांव के पास में प्रभु पधारे हैं, तो दौड़ करके जाता है और दूर से ही प्रणाम करता है। प्रभु उसे उठा करके अपने अंक में लगा लेते हैं और कहते हैं तू मेरा है, बगल में बैठाते हैं और कहते हैं हे मित्र, मैं न किसी जात को मानता हूं न पात को मानता हूं, मैं तो बस इतना जानता हूं सुहारिका होई, तू मेरा है बस। प्रभु स्नान ध्यान करते हैं, डेरा डाल दिया जाता है, नगरवासी बहुत सारे हैं, प्रभु की माया का कहिए अथवा लोग नगर के थके हुए थे, सभी लोग रात्रि में सो गए। भगवान के लिए एक कुश का बिछौना तैयार किया गया गुहराज के द्वारा। मां सीता के साथ प्रभु वहीं पर विश्राम करने लगे, लक्ष्मण जी बैठे हैं। थोड़ी देर बिता होगा कि भगवान ने सुमंत को आदेश दिया, सुमंत ये नगरवासी सबके सब सो गए हैं और अब हम लोगों को यहां से चल देना चाहिए और नहीं तो ये हमें जाने नहीं देंगे। रात्रि में सब सोए रहे और हमारे प्रभु भैया लक्ष्मण मां सीता के साथ में वहां से प्रस्थान कर गए। लक्ष्मण ने तत्काल विचार किया, अरे जब लोग सो जाते हैं तो हमारे प्रभु उनको छोड़ करके चले जाते हैं, आज के बाद से मैं कभी नहीं सोऊंगा, पता नहीं कब मेरे प्रभु हमें भी छोड़ करके चले जाएं। 14 साल तक न सोने की प्रतिज्ञा ली लक्ष्मण जी महाराज ने। गुह के साथ में प्रभु राम लक्ष्मण सीता उस जगह से प्रस्थान करके अन्यत्र चले गए। नगरवासियों ने जब सुबह देखा कि प्रभु तो चले गए, कोसों खोजा नहीं मिले, अंततो गत्वा थक हार करके सब अपने अपने घर चले आए और हमारे प्रभु अब आगे की यात्रा पर निकल चुके। अब आगे की यात्रा का वर्णन अगली बार किया जाएगा क्योंकि समय की आज थोड़ी कमी है, एकादशी है, फलाहार मिल जाएगा सूर्यास्त के पहले तो हो जाएगा। हाँ एक बात आप सबसे कहना चाहूंगा कि प्रभु वन में गए हैं, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि कथा सुनने के लिए आए हो तो इतना ध्यान रखना कि जो प्रभु को वन में भेज करके घर बैठ जाए कथा ना सुने, तो कहना नहीं चाहिए मुझे, एक प्रकार का अपराध होगा। प्रभु को वन से वापस लाना होगा इसलिए कथा सुनने जरूर आना होगा, ठीक है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप हमारे ठाकुर जी को वन में ही छोड़ देते हो या पुनः उन्हें वापस लाते हो। और एक बात आप सबसे कहना चाहूँगा कि मैं तीर्थ यात्रा करके लौटा हूँ, प्रभु का प्रसाद मेरे पास है, उस प्रसाद को हम अपने साथ लाए हैं, आप सबको देना चाहते हैं।
शर्त एक है कि उस प्रसाद को स्वयं ग्रहण तो करिएगा, यथासंभव अपने परिवार के सदस्यों को भी ग्रहण कराइएगा, थोड़ा सा ही मिले उसी में सबको दे दीजिएगा, क्योंकि ये मेरे ठाकुर का प्रसाद है। यह प्रसाद की दो विशेषता है, पहला तो द्वारिकाधीश का प्रसाद है, उस परम तत्व परमात्मा का प्रसाद है जो राज राजर्षि है, उसका प्रसाद पाने वाले को धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी ऐसा कहा जाता है, उसका प्रसाद जरूर ग्रहण करें। और फायदा क्या है कि एक गुरु के हाथ से प्रसाद मिलेगा, यह आपके जीवन का बहुत दिव्य शुभ अवसर है कि आपको किसी गुरु किसी संत के हाथ से नारायण का प्रसाद मिलेगा जो अमृत स्वरूप है, आप उसे ग्रहण करेंगे और इस भाव से ग्रहण करेंगे कि हे गोविंद, प्रसाद के साथ साथ मेरे हृदय भवन में आप भी विराज जाना, यही मेरी आपसे प्रार्थना है, यही मेरी आपसे इच्छा है। ऐसा विचार करके जब प्रसाद को अपने हृदय भवन में उतारेंगे, अपने उदर में उतारेंगे, तो प्रसाद उदर में जाएगा, उसका तेज बल आपके हृदय में जाएगा, और आपके हृदय का जो दरवाजा है विषय के ताले से बंद पड़ा है, इस प्रसाद को जाते ही खुलेगा, और जब खुलेगा तो जरूर मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको स्वप्न में हमारे केशव के दर्शन होंगे, किसी न किसी रूप में वो आपको दर्शन देंगे, लेकिन हाँ दरवाजा विषय का खुलना चाहिए, और इसके लिए भाव यह हो कि अमृतमय प्रसाद मैं अपने हृदय में उतार रहा हूं, हे केशव हे राघव आप मेरे हृदय में जरूर विराजना, यही मेरी आपसे इच्छा है, यही मेरी आपसे प्रार्थना है, और निष्काम भाव से, क्योंकि परमात्मा के प्रसाद का अर्थ ही है कि परमात्मा का साक्षात दर्शन, प्रसाद परमात्मा का साक्षात दर्शन, और वो कहाँ होता है, हृदय भवन में। इन बाहर की आंखों से आपका गोविंद दिखे न दिखे, लेकिन अंदर की आंखें देख लेंगी कब, जब प्रसाद की कृपा आपके अंतर हृदय में उतर जाएगी तब। इसलिए प्रेम से इस प्रसाद को ग्रहण करिएगा, थोड़ा सा इंतजार करिएगा, मैं फलाहार करने जाऊंगा, इसके बाद आऊंगा, फिर आप सबको प्रसाद वितरित करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। हरिओम तत्सत।